हेलो व्यूवर्स, आपका आधार कार्ड किसी तरह मिसप्लेस हो गया हो या चोरी हो गया हो तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को चेक कर लीजिए कि वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट। उसके लिए उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम दो स्टेप में उसको वेरीफाई कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि असली है कि नकली है, या किसी ने आपके आधार कार्ड के डुप्लीकेट तो नहीं बनाया है। और अगर नकली है तो उसको आप कंप्लेन करके डिलीट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेजिडेंस UIDAI गवर्नमेंट .in पे जाना पड़ेगा। क्लिक हियर माई आधार टैब टू वेरीफाई एन आधार नंबर, और वहाँ पे अपने आधार नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हैं। आफ्टर दिस न्यू विंडो माई आधार UIDAI गवर्नमेंट .in वेरीफाई आधार आएगा। जब वो ओपन हो जाएगी वो साइट, तो वहाँ पर आपको आधार नंबर, कैप्चा और प्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रेस वेरीफाई करिएगा, यू विल गेट एज ग्रुप, जेंडर, स्टेट और मोबाइल नंबर का लास्ट का डिजिट वो दिखा देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जेंडर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, एज ग्रुप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और स्टेट सही आ रहा है, मोबाइल नंबर सही आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका आधार जेन्युइन है। लेकिन अगर आपका नहीं जेन्युइन है तो ये सारी चीज़ें गलत आएंगी। तो उसके लिए आपको सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा और अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा। क्लिक हियर माई आधार टैब टू वेरीफाई एन आधार नंबर। फिर आपको रेजिडेंस UIDAI.gov.in पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर पेपरलेस ऑफलाइन थ्रू EKYC वेरीफाई आधार मिलेगा। तो वहाँ पर EKYC वेरीफाई आधार पे जाने के लिए, फॉर दैट यू हैव टू गो टू साइट residentudigovernment.in ऑफलाइन KYC। तो ये ऑफलाइन KYC क्या है? जब वहाँ जाइएगा तो आपसे 12 डिजिट का आधार नंबर मांगेगा, 16 डिजिट का वर्चुअल ID नंबर मांगेगा और कैप्चा कोड मांगेगा, और उसके बाद आपके पास OTP आएगा। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने कभी अपना वर्चुअल ID नहीं चेंज किया है, तो इस समय अगर आपका चोरी हो गया है आधार ID, तो आप वर्चुअल ID चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो आपकी पर्सनल ID को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इट विल सेंड यू OTP ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर। तो रीजेनरेट VID कर दीजिएगा तो आपका VID चेंज हो जाएगा। जब VID चेंज हो जाएगा तो आपको फिर से आधार कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये काम बाद में करिएगा, पहले ये समझ लीजिए कि आपका आधार प्रॉपर है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। इट विल सेंड यू OTP ऑन योर रजिस्टर मोबाइल। जब आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, VID नंबर और कैप्चा नंबर डाल देंगे तो आपको वो OTP भेजेगा। उस OTP को जब आप भेजिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा कि आप 4 डिजिट का शेयर कोड बनाइए ऑफलाइन पेपरलेस EKYC के लिए। तो ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी ही फाइल नहीं खोल पाइएगा। नाउ क्रिएट 4 डिजिट शेयर कोड ऑफ योर चॉइस एंड राइट समवेयर एंड सबमिट। अब इस कोड को आप कहीं लिख लीजिए और उसको सबमिट कर लीजिए। देन सबमिट 6 डिजिट OTP विच यू गेट ऑन मोबाइल। जो आप अपने मोबाइल पे OTP पाएंगे उसको आप सबमिट कर दीजिए। नाउ डाउनलोड फाइल। अब जो फाइल आपको मिल रही है वो उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपकी वेरीफाई KYC फाइल होगी, जो ऑफलाइन आप पेपरलेस ऑफलाइन EKYC फाइल 4 डिजिट सबमिट करने पे आप खोल पाएंगे। तो जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके लिए ही ये 4 डिजिट वाला शेयर कोड बनवाया गया था, जिसको आप शेयर जब करिएगा, जब फाइल खोलना चाहिएगा तो इसी शेयर कोड को, आ 4 डिजिट को आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप इसको यूज़ करिएगा तब आपका आधार खुल जाएगा। ऑल आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल कम इफ योर आधार इंफॉर्मेशन इज नॉट सेम एंड इट इज़ नॉट अ जेन्युइन आधार कार्ड। अब आप वहाँ पे अपने आधार कार्ड को पुराने आधार कार्ड से चेक करिए और देखिए कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। और नहीं भी है पुराना आधार कार्ड तब भी आप आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नया आधार कार्ड बन के आ जाएगा जो करंट स्टेटस है आधार कार्ड की,
और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अपडेशन के पहले आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, हर चीज़ बहुत बार आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसमें रूल्स दिया हुआ है, जाके साइट पे पढ़ लीजिए कि नाम कितनी बार बदलेगा, फ़ोन कितनी बार बदलेगा, शादी के बाद कैसे आधार कार्ड बदलता है और आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करें, उसका वर्चुअल आईडी। लेकिन आप कितनी भी बार बदल सकते हैं। वर्चुअल आईडी बदलने से फ़ायदा ये है कि अगर आपका आधार कार्ड चोरी हुआ है तो वर्चुअल आईडी बदलने पर जल्दी से जो भी आपका आधार कार्ड ले गया है वो खोल नहीं पाएगा आपकी इंफॉर्मेशन, और आप वर्चुअल आईडी बदल कर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से, और जो भी आपका डाउनलोड होने पे पेपरलेस ई केवाईसी जो आया है, अगर वो गलत है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा अपडेशन है तो आपको आधार सेंटर पे जाकर वहाँ पे इसको अपडेट कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप खुद ही ऑनलाइन इसी साइट पे जा करके अपने आधार को अपडेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जब डाउनलोड हो जाए तो उसको प्रिंट करा कर आप उसको रख सकते हैं अपने पास। तो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, और आप केयरफुल रहिए और अपने आधार कार्ड को चेक कर लीजिए कि वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, या आपका कोई आधार कार्ड गलत ढंग से यूज़ कर रहा हो। और उसका जो भी पासवर्ड बनाइए उसको याद रखिए, और उसमें बाद में जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तब भी एक पासवर्ड वो पूछता है, और वो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शन करता है कि आपका पासवर्ड कैसे बनेगा। तो वहाँ पर वो आप उसको रीड कर लीजिएगा तो वो बताएगा कि कैसे पासवर्ड बना करके फाइल को डाउनलोड करें। तो इस तरह से हम लोग अपने आधार कार्ड को दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, और ऑफलाइन केवाईसी से, और एक ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। और उसमें आप अपना ग्रुप, जेंडर, स्टेट, मोबाइल नंबर और अपने नाम और जितने अपना एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, उसको वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टू द व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट ट्राई इन योर होम एंड फाइंड आउट वेदर योर आधार कार्ड इज़ जेन्युइन और नॉट। आपको ये पता करना आसान हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली, आप अपने आप भी इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।